अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हबीब अहमद। अल्लाह ताला के बरबरकत नाम के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज मेरे व्लॉग में एंट्री है, आप खुद ही देख लेंगे इसकी एंट्री है। मुर्शिद बाबा जी, बीबुला पसरूरी, बीबुला पसरूरी बाबा जी, बहुत ही जरूरी भाजी, बहुत हमारे दोस्त। आज यकीन जाने कि दिल चाह रहा है कि आपके साथ पंजाबी भी बोली जाए, आपके साथ उर्दू भी बोली जाए। जो टूटी फूटी चीज है मौसम बन गया था ना, यकीन जानो दिल करता है कि तेरे नाल शेयर की थी दिल की गल। यकीन आज का व्लॉग पंजाबी में भी ते उर्दू च भी। हाँ जी, जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये है हाफिज साहब पसरूरी, आहो आज का व्लॉग है बहुत जरूरी। मैं तुम दसन लगा कि मैं आया वा ते बच्चे क्रिकेट खेल दहायो, जरा दहायो बच्चे खेलते पे क्रिकेट। ते ए फूल भाई ने साढ़े इधर ए फूल भाई ने इन्हें मेरा चैलेंज कर लिया, इन्हें तेन मैं लाना छक्का, मैं आवा बॉलर ए ना बैट्समैन। आओ हुण वेखी जाके के सानू छक्का लांदे ने कि आयो जी सानू बैट फड़ा देनो। लो जी हाफ साहब दा चैलेंज हो गया फूल भाई दे नाल। फूल भाई अपनी बावां नू क्या तू छक्का लाना, मैं नहीं क्या मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, ये नहीं के मैं तू छक्का लाना वा, मैं ठीक हो गया हूं छक्का लाना जी मेनू। मतलब के फूल साहब ने छक्का तानू लाना है, मेनू छक्का लाना जी, देखो हुण पता लग जांदा है सब। ओ ग्राउंड है, आओ जी ए पिच ते हुण ही पता लग जांदा दुध दा दुध ते वाटर दा वाटर। और ये देखे हाफ साहब उनके साथ मौदा तय पाते हुए कि भाई एक हमें बाल करवाने दे, और ये फूल साहब ने बैट पकड़ लिया। अब देखते हैं कि वाकई छक्का लगता है कि नहीं। और वो हफ्सा बॉल करते हुए ओए होए 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 बॉल बीट हो गई, और हफ्सा आज ये बात वाकई ठीक है। आप सब वो आप सब जीत गए हैं भाई, साढ़े पसरूर दा स्टेशन है जनाब, स्टेशन नाल ही बिल्कुल इत्थे बच्चे जनाब क्रिकेट खेलते पे ने। इस सारी जगह जिहड़ी है ना, इस सारी स्टेशन दी जगह है। आप सब दसो ना इत्थे जंगलात हुंदे ने इस जमाने ए वेखो, ए तुहानूं मैं दसां कि ए वेखो पुराने जदों 15-20-25 साल पहले इत्थे जनाब मुसाफर हुंदे हां, ए जिहड़े गड्डियां दे उतरदे हां, रात पई जांदी लेट हो जांदे हां, जां जिन्ने वी रे हां जी रेलवे ते रेलवे दे जिन्ने मुलाजम हुंदे हां यार लेट हो जांदे हां, ਉਹ ਇਹ ਕੁਆਟਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਨਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ, ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜੰਗਲਾਤ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਰਿਹਾ ਤਾ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਲੋਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਵੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਭ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਾਉਂ ਵਰਗਾ ਗਾਉਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਆ ਫੂਲ ਭਾਈ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੜਦੇ ਪਏ, ਆ ਫੂਲ ਭਾਈ ਕੋਲ ਬੀਟ ਹੋ ਗਈ ਬਾਲ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਜਨਾਬ ਆਓ। ਫੂਲ ਭਾਈ ਜਾਣ ਦੋ ਫੇਰ ਹਰ ਜੋਗੇ, ਫੂਲ ਭਾਈ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਕਾ ਲੱਗਣਾ ਆਇਓ ਇਧਰ। ਚਲੋ ਆਪ ਸਭ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਚੈਲੰਜ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈਲੰਜ ਫੇਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫੇਰ ਹਰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਅਗੂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਆਪ ਸਭ ਫੇਰ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਬੀਟ। और ये हाफ साहब एक बार फिर गेंद को हाथ में ले गए, और ये फेंकी बाल और ये फिर मिस हो गई शॉट, फिर दोबारा शॉट मिस हो गई। फूल भट्ट का चैलेंज नाकाम रहा एक बार फिर। और ये फूल भाई ने बैट चेंज कर लिया कि भाई उसे छक्का नहीं लग रहा। हाफ साहब एक बार फिर आए और इसके साथ ही फिर सिंगल, छक्का फिर नहीं लगा। बॉल
और फिर नहीं लगा और फिर बॉल बीट हो गई। अब मैं करवाता हूँ। ओए अब आप सब छक्का लगाएंगे चैलेंज का। कर दें कोई छक्का नहीं लगा सके मैं। आप सब आप छक्का लगाएंगे और अगर नहीं लगा तो फिर मैं पार ही लूंगा आपको। चलो जी आज पता लग जाए। हूं फूल साहब का चैलेंज पै गया आप सब दे नाल। और इसके साथ ही छक्का गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। वाकई आप सब और अब हम आपको लेके जा रहे हैं यहाँ पे। आप सब किधर जा रहे हैं? अब असि हूँ जा रहे हैं जनाब दोस्त भरा फिर निकले रहे हैं। दोस्त स्कूल है अज डुम दे जिथे डुबे जगह तनवाने जगह ऐसी जनाब के जो इथे कदी सलाब आंदा हुंदा सी ना तकरीबन 2000 दे विच विजिट करवाते हैं उस डुम का जो हाफ साहब जिसका नाम ले रहे हैं जिक्र कर रहे हैं जिसका हाफ साहब पंजाबी वैसे डुम कहने लेकिन नाला कह लो या जो मर्जी कह लो। ये हाफ साहब ये फूल ये हमारी बाइक और ये हम जा रहे हैं डुम पे। और ये हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे जो हमारे इसको नाला भी कहा जाता है। हम लोग इसको नाला भी कहते हैं। पुराने वक्त जो आने उन्हें डुम कहने उन्हें डुम डुम जे जिन्ने साढ़े पुराने दोस्त ने जे पसूर ने या आले दुआले के जिन्हें बंदे ने और जो डुम कहो गए उन्होंने पता लग जाएगा नाल ही हाड़ी से मालोक त्यौहार लगता है। बिल्कुल मालोक त्यौहार नाल ही मेले वो लग गए। ठीक हो गया। सब डुम है ये देखें जी। एक वक्त था कि इधर इतना ज्यादा पानी आ जाता है बहुत ज्यादा पानी आता था इतना आता था कि पानी के ये जो लाइनें आपको नजर आ रही हैं ना ट्रेन की तकरीबन यहां तक पानी आता था।
और अभी तो देखे ही पानी पता नहीं सदियां हो गई हैं हमको। वो हाफ साहब जा रहे हैं विजिट करने, थले पैर ना निकल जाए। तो मेनू इंज लगता है हाफ साहब मैं तकरीबन हाफ साहब कितनी देर बाद तुसी आए इत्थे? हाँ जी फूल साहब तुसी कितनी देर बाद आए इत्थे? मेनू भी तकरीबन मेरा ख्याल है 2 साल तो बाहर 3 साल कढ छड़े ने, ते 3 साल बाहर कढ़न तो बाद जो इत्थे आए हैं उस तो बाद भी असी नहीं वेख्या पानी। मैक्सिमम तकरीबन को 4-5 साल बाद मैं इत्थे दा विजिट अज पहली दफा कीता है। आप सब कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है, पता क्यों अच्छा लगता है? यकीन जानो कि जो लोग समझते ना पुराने जिन्होंने कोई 5-10 साल बाद कोई यार लभे तो बड़े खुश होंगे ने। वक्त सानू मिलिया तकरीबन 4-5 साल बाद, मैं 2002 दे विच मैनूं इन्ना पता है कि यह पानी इहदी उत्तों ही लंघना हुंदा है, लोग नहाते हुंदे हैं। वेखो हुण बिलकुल मेले का पानी पै पै के नदी बिलकुल। आप सब याद जी ओ सामने मछलियां फड़दे ने उत्थे बैह के? बिलकुल बिलकुल हां जी गल है। पसरूर दी मेले थे बहुत वड्डी, ओ सामने तुहानू ओदा एक छोटा जिहा टावर बिल्कुल करीब करो तो फिर जाके नज़र आता है हल्का जिहा। इंशाल्लाह तुहानू उस मेल का भी विजिट करवावांगे। ये है माशाल्लाह हमारा पसरूर का छोटा सा स्टेशन, रेलवे स्टेशन। ये आप सब खड़े हैं, ये हमारे पसरूर रेलवे स्टेशन का अंदरूनी हिस्सा, और यहाँ से टिकट ख़रीदते हैं। और ये लिस्ट लगी हुई है जो औकातकार है तमाम ट्रेन्स की, जितनी भी हैं सुबह से लेकर शाम तक कितनी आती हैं कितनी जाती हैं, ये सब की टाइम टेबल सबका लिखा हुआ है और साथ उसका कितना कितना किराया है। लोगों ने आज का ब्लॉग देखा, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। माशाल्लाह बड़ी अच्छी गल है यार, मैनू खुशी इस चीज़ हुई कि जनाब सानू भीर साहब ने ते फूल भाई ने बड़े अच्छे मेरे दोस्त ने भरा ने अभी मेरे भरा रहे कि किसी को बड़ी खुशी होंगी कि जो कट्ठे होने हैं तुझे ते... सब तो पहले गल है कि बेलियाँ यार वास्ते कि यार वेखो ही जो तेरे वास्ते चीज़ अखज की वेखो कि अच्छा लगे यार। कमेंट करके दसो ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸਰ ਉਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਇਓ ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਰਨੇ ਖਤਮ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।